और बड़ी खबर इस वक्त ही हम आपको बता रहे हैं, साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया है, कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी संजय सिंह से कुछ पहलवानों की नाराजगी है। बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं संजय, और इसीलिए साक्षी मलिक ने हो सकता है ये फैसला लिया हो संन्यास का। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त ही हम आपको बता रखे हैं। आपको ये बता दें कि आज ही नए कुश्ती संघ के अध्यक्ष का ऐलान हुआ है और इसी के साथ संजय सिंह नए अध्यक्ष होंगे। साक्षी मलिक ने अब संन्यास का ऐलान कर दिया है, कुश्ती से अब वो संन्यास ले लेंगी। रोते हुए भी उनका बयान सामने आया है WFI चुनाव बृजभूषण के जीत के हारने को लेकर, बृजभूषण के करीबी के जीतने को लेकर उनका बयान सामने आया है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो, अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मां नहीं दूंगी। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। शिवम प्रताप हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, ये बड़ी खबर मिल रही है कि कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष के ऐलान के बाद अब साक्षी मलिक ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। वो ये रोते हुए कहते हुए भी नजर आए कि बृजभूषण जैसा ही आदमी अगर अध्यक्ष होगा तो फिर मैं खेलूंगी नहीं अब से। देखिए, बिल्कुल अभी साक्षी मलिक ने बाकायदा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि वो संन्यास ले रहे हैं। दरअसल इसके पीछे वजह ये कि कुश्ती संघ का इलेक्शन हुआ था जिसके रिजल्ट इन पहलवानों के एकदम जस्ट अपोजिट आए। आपको वो याद होगा, 40 दिन तक दिल्ली के जंतर मंतर पर इन पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। तमाम गंभीर आरोप भी लगाए गए थे जिनका मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन बृजभूषण सिंह ने इस्तीफा दिया। उसके बाद जब कुश्ती संघ के चुनाव कराए गए, लेकिन आज बृजभूषण शरण सिंह के समर्थित संजय सिंह खेमे को बड़ी जीत मिली है। 48 कुल वोट पड़ने थे जिसमें से 40 वोट संजय सिंह को मिले हैं। उसके साथ साथ जो 5 अन्य पद हैं उन पर भी संजय सिंह के पैनल ने ही अपना कब्जा जमाया, जिसके पहले ही कल शाम को ही साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने ऐलान किया था कि मतगणना के रिजल्ट आने के बाद हम दिल्ली में प्रेस वार्ता करेंगे। और यहीं पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड थी महिला अध्यक्ष बने ताकि वो जो महिला पहलवान है उनका दर्द समझे, उनको जाने, लेकिन जिस तरीके से ये परिणाम आए हैं ऐसे में न्याय की उम्मीद रह नहीं जाती है। अगर संजय सिंह जैसे लोग जीतते हैं तो मैं संन्यास का ऐलान करती हूँ। और विनेश फोगाट ने भी यही दोहराया कि उन्हें न्याय की कम उम्मीद है। लेकिन अगर दूसरे खेमे की बात करें, बृजभूषण शरण सिंह का साफ तौर पर कहना है कि देश के 99% जो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। यही एक वजह है कि उनका खेमा बड़े पैमाने पर जीता, लेकिन हरियाणा का सिर्फ एक परिवार है जो अपना भला देख रहा है और ये खिलाड़ी वो है जिनका अपना करियर खत्म हो गया। ऐसे में ये अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, लेकिन देश के लिए आप देखें, देश के तौर पर तो बड़ा झटका है। इतनी बड़ी रेसलर रही है, देश के लिए तमाम मेडल्स लाई हैं, साक्षी मलिक हो, विनेश हो, बजरंग हो, लेकिन आज भावुक होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो संन्यास किया है। और दूसरी तरफ बाकायदा चुनाव हुए, सारी प्रक्रिया अपनाई गई और उस प्रक्रिया में संजय सिंह जीत कर आए। बृजभूषण सिंह खेमे के हैं। बृजभूषण का दावा है कि 40 जो वोट मिले हैं वो ये दिखाता है कि हमें जनता का समर्थन है, हमें जो वोटर्स हैं इसके कुश्ती संघ के तमाम उनका समर्थन है। लेकिन अब साक्षी मलिक के पास विशेष विकल्प बचे भी नहीं है। देखिए, आपको याद होगा, लेकिन ये भी साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अन्याय के खिलाफ वो निरंतर लड़ती रहेंगी और युवाओं को भी वो इसी प्रकार से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो, अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मां नहीं दूंगी। बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद।